सर तो एनटीए से जो भी सवालों के मांग किए गए हैं, तो हाल के ही ना बैठक में ना एनडीए के ना टॉप बॉडीज़ के द्वारा जो ना जो बैठक हुई उसमें ये बोला गया कि 1560 बच्चों का जो ना ओएमआर है उसका इवोल्यूशन फिर से होगा, और अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उनका फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ सिर्फ उन 1560 बच्चों की नहीं है, अगर आप ना यूपी की बात करेंगे, अगर आप ना ये ना पटना की बात करेंगे, वहाँ पर भी ना बहुत सारे ना FIR ऐसे दर्ज हुए हैं जिसमें ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम से पहले लीक हो चुका था। तो जब ये चीज़ें बिल्कुल सामने से दिख रही है तो सिर्फ 1560 जो बच्चे हैं ना उनका ही क्यों, पूरे देश में एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए और फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए, जिसको लेकर NTA ने साफ ये बोला है कि नहीं, री एग्ज़ाम नहीं होगा। तो अभी बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और अब थोड़ी सी जो आशा है वो जाग रही है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं नीट का एग्ज़ाम दोबारा हो। और जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रिपरेशन आप लोग ना करते रहें, एग्ज़ाम इस बार फिर से हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन को छोड़े नहीं और बिल्कुल निराश ना हो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट रखें, हम लोग आपके साथ हैं। सर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में जो जो ऑर्डर है वो आया है कि NTA से कुछ जो जवाब है वो मांगे गए हैं, और हम लोग का डिमांड यही है कि ना हाई कोर्ट से और सर अपेक्स कोर्ट से भी कि ना एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए और फिर से एग्ज़ाम को लिया जाए, ठीक है ना। हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 700 से प्लस मार्क्स आया है, उनका भी ना कहना है कि ना नहीं, बिल्कुल वो अपने छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करेंगे और वो भी फिर से एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हमारी दो मांगे हैं, हमारे साथ साथ पूरे इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी जो पेरेंट्स हैं वो हैं, और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब की मांगे दो हैं। पहला तो ये कि इस बार फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए, और दूसरा ये कि अगले बार से NTA को रिमूव करके कोई न्यू बॉडी को अपॉइंट वो करना चाहिए जो कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करे, क्योंकि सर ये ऑल इंडिया लेवल पर होने वाला एग्ज़ाम है और बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स का बिल्कुल ड्रीम है कि उनके बच्चे जो डॉक्टर हैं वो ना बनकर निकले, जिसके वजह से वो बच्चों पर क्लास 10 से ही पूरी तरीके से फोकस करते हैं, क्लास 6 से ही जो फोकस है वो करते हैं, और उतने दिनों की मेहनत, 6 साल 7 साल की जो 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 मेहनत है वो कहीं ना कहीं कुछ जो मतलब ना ये ना करप्ट बॉडीज़ हैं उसके द्वारा ये सारे मेहनत पर पानी फिर जाता है। सर मैं इस एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट आए हैं, नीट 2024 का रिज़ल्ट अभी आया है, उससे तो सबसे पहला बात ये है कि ना बच्चों में एक जो कॉन्फिडेंस लेवल पिछले साल था कि ना अगर 600 आया है, 605 आया है, तो एक बार फिर से एक ना ड्रॉप ना लिया जाए और फिर से ना मेहनत करके स्कोर को ना बूस्ट किया जाए और जो कॉलेज है वो फिर मिल जाएगा। लेकिन इस बार हम लोग अपने यहाँ के भी बच्चों को और भी जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस की जो भारी जो कमी है वो आई है बच्चों में, वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ना जब ना कट ऑफ इतना हाई जा रहा है और जो बच्चों का 500 और 550 मार्क्स आया है तो उनके अंदर एक्साइटमेंट की थोड़ी जो 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 कमी है वो है, और वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन से थोड़ा सा भटक रहे हैं। अब देखिए नीट UG लोग 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं और इस तरह बच्चों का अगर रिजल्ट देखने को मिले, गड़बड़ी सामने, बिल्कुल बिल्कुल, तो कितना हताशाई। सर एक चीज़ है कि ना मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि ना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के जो ना पेरेंट्स हैं और जो इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, ये तीनों के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शोचनीय है, क्योंकि तीनों का एक तरीके से ना एक ट्रायंगल जो है वो ना बना हुआ है, और ये ट्रायंगल को कंट्रोल जो कर रहा है वो सर NTA कर रहा है, और NTA ने इस बार ऐसे ऐसे चीज़ें जो हैं वो रिज़ल्ट में शो की है जो कि आज तक जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर पिछले साल और इस साल का जो क्वेश्चन का लेवल हम लोग ने जो एनालाइज किया है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो पिछले साल आपके दो बच्चे ऐसे थे जो कि 720 में 720 लाए थे, और इस साल 67 से अधिक बच्चे ऐसे हैं। और मैं एक चीज़ ना ये और बताना चाहूँगा कि हरियाणा में एक ना जगह है सर ना झज्जर, झज्जर में एक सेंटर ऐसा है जहाँ पर 108 बच्चे ऐसे हैं जिनका 700 से ऊपर नंबर आया है, और हरियाणा में ही वो सेंटर भी है जहाँ पर एक सेंटर से 7 से 8 बच्चों का 720 में 720 नंबर आया है। रैंक मार्क्स बहुत अच्छा आया है, इस मार्क्स पे एम्स मिल जाता है, 676 आया है, बट इस साल जो हुआ है उसमें स्टेट कॉलेज में भी अच्छा कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, बिकॉज रैंक इन्फ्लेशन हुआ है पेपर लीक की वजह से, और
ग्रेस मार्क दिया गया उस वजह से। पेपर लीक का जो मामला है, आप लोगों को कैसे पता चला कि पेपर लीक हुआ है? कैसे उसका एविडेंस टेलीग्राम पे है, इवन पुलिस रिपोर्ट्स में भी एविडेंस दिख रहा है, इवन हम कुछ बच्चों को जानते हैं उसमें भी पता चल रहा है कि उन्हें पेपर मिला है। परेशानी ये हो रही है कि पिछले बार जैसे कि कट ऑफ इतना ज़्यादा जाता था, मतलब कि 600-620 में हम लोग को स्टेट का कॉलेज मिल रहा था, इस बार पर्सनली मेरा स्कोर 661 रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी स्टेट का कॉलेजेस अच्छा मिलेगा कि नहीं, ऑल इंडिया रैंक इतने ज़्यादा घट रहे हैं। अभी मेरे स्कोर पे पिछले साल 4000 या 3000 में रैंक होना चाहिए था, बट अभी के हिसाब से वो 20000 हो रहा है। इसमें कैसे कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज हम लोग उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो बस हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी ग्रेस मार्क्स जिन लोगों को मिला है वो लोग या तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो या फिर री इवेलुएट हो, उन लोग का OMR देखे, वापस रिजल्ट हो, या तो फिर से नीट हुआ जाए वो लोग का, तो ये हम लोग के लिए बेटर होगा।